मुबारक हो रूपा, तुम्हारी बहू साफ सफाई का काम तो बड़े अच्छे से करती है। अच्छा ये बताओ बेटा, तुम्हें नाचना गाना आता है कि नहीं? वो तो बहुत अच्छी तरह से आता है चाची, सब तरह की नौटंकी करने में अव्वल नंबर है ये, अव्वल नंबर। हाँ चाहे तो देख लो आप। अच्छा चलो फिर करो हमसे मुकाबला, नाचो। मुझे किसी भी बात की सलाह देने की कोशिश मत करना। और दूसरी बात यह कि प्लीज भैया और पापा को बताने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स उन्हें पता चल ही जाएगा, तलाक जो दे रहा है तू। दोस्त हूं इसलिए बता रहा हूं, एक ही दिन हुआ तेरी शादी को ध्रुव। देख यार ये बहुत बड़ा फैसला है और तू अपने आप को थोड़ा टाइम तो दे, क्या पता तेरा मन बदल जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा ऐसा। इस धोखे के रिश्ते में हम कभी नहीं रह सकते अर्जुन। उन लोगों ने जो हमारे साथ किया ना बहुत गलत किया है, इसलिए तलाक मांग रहे हैं हम। और वैसे भी जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है ना उनके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले रहे, यही बहुत बड़ी बात है। ये तलाक देकर हम अपनी आजादी मांग रहे हैं और थानी को हमें हमारी आजादी देनी होगी हर हालत में। खम्बे से खड़ी क्या, कमर हिला, अरे हाथ पैर हिला। अरे शर्मा क्यों रही हूँ, सब औरतें ही तो हैं और मुंह दिखाई में दुल्हन तो नाचती है ना। ना, 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 ना शर्मा मत। प्यार के गीत जरा सुन ले, जरा इस देखने का दिल करा, जरा अंदर देखेंगे माहौल कैसा चल रहा है। देखिए अभी आते हैं। जी बाबा। धन्यवाद भोलेनाथ जी, महादेव महादेव।
पापा ध्रुव आगे बचवा कहाँ जा रहे हो? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं आप? एक खुशखबरी दें आपको, देखिए अंदर खुशी का माहौल चल रहा है, सब नाच रहे हैं गा रहे हैं, और बहना ने हमारी पत्नियां ने सब ने ऐसा जान पड़ता है कि धानी बिटिया को अपना लिया है। बहुत खुशी का बात है, हम बहुत दिल खुश हो गया हमारा बाप। अब आपकी बारी है अईका। अरे समझ लो कि काला बादल छट गया, अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। और आप ये चेहरा बना के बैठे हो क्योंकि ये हमारी जिंदगी है पापा, इसलिए इस घर में धानी को कौन अपना रहा है कौन नहीं अपना रहा हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हम उसे बिल्कुल नहीं अपनाएंगे और ये बात तय है। ना तो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन सकती और ना ही हमारे घर का। कैसी भागी भागी बातें करते हैं आप, इधर आइए। ये कहा है पापा? आप धानी और हमें पति पत्नी मानते हैं ना? मानते हैं। तो बस ये पति और पत्नी के बीच का आपस का मामला तो आप बीच में नहीं पड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आपने हमारी और धानी की जिंदगी का जो फैसला लेना था वो ले लिया, अब हमारी बारी है। जाइए अपना लीजिए, नहीं पड़ते बीच में। क्या है ये काशीनाथ और ध्रुव के बीच में कुछ बहस हुआ है क्या? हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। तब ठीक है। अरे क्या हम पूछ रहा? अरे सुनिए तो पापा प्लीज बताइए। नहीं बताइए पापा प्लीज। चोट लग गई ना? ये देखिए खून आ गया। क्या अगर आप हजारों ऐसी चोटें और दे देते ना हमें तो हम उफ तक नहीं करते पापा, क्योंकि हमें दर्द नहीं होता। लेकिन जो दर्द आपने हमें इस रिश्ते में बांध कर दिया ना, बस वो नहीं सह पा रहे हम। अगर हमें कोई कहे कि इस रिश्ते और मौत में से क्या चुनोगे तो पता हम क्या चुनेंगे? मौत। मौत। इसलिए हम धानी से तलाक ले रहे हैं बाबा। तलाक के कागज हैं ये। ध्रुव पापा आप लोग जो भी बातें कर रहे हैं ना प्लीज बाद में कर लीजिएगा, पीछे सब लोग देख रहे हैं। भैया जो बात हो रही है ना वो आज ही होगी और अभी ही होगी। आपको आज ही का दिन मिला था ये सब करने को, समझा यार इसको क्या हो गया इसको? एक तरफ वो छोटी सी नन्ही सी जान है धानी उस रिश्ते को बचाने के लिए क्या क्या कुर्बानियां दे रही है, आपको पता चलेगा तब आपको पछतावा होगा जिंदगी का। और एक तरफ पाप है अभी से हार मान लिए। रूपा तुम्हारी बहू बहुत सुंदर है, कलर तो हम भी लगाएंगे। लगाओ लगाओ जी भर के लगाओ। प्लीज रहने दीजिए, मत कीजिए सब। अरे ऐसा नहीं कहते बेटा, ये सब तो तुम्हारी खुशी में शामिल होने आए हैं।
बेटा, तुम्हारे आने से तो हम भी बहुत खुश हैं। तो इस खुशी के मौके पे हम भी रंग लगाएंगे। क्या हो गया? रुको जरा, खुशी का मौका है, है? दर्द हो रहा है बुआ जी, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। बेटा, इस खुशी के मौके पे थोड़ा बहुत दर्द होता है। हाँ, लोग प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज। तमाशा मत बना बच्चा। तमाशा तो आपने बनाकर रख दिया हमारी जिंदगी का पापा। आप अच्छे से जानते हैं कि हमें झूठ और धोखे से सख्त नफरत है, लेकिन फिर भी आपने हमें हमें इस धोखे और झूठ की आग में जाके फेंक दिया, और आप चाहते हैं कि हम जिंदगी भर उस आग में सड़ते रहे। नहीं, वो हरगिज़ नहीं होगा। हम भी ऐसा हरगिज़ होने नहीं देंगे। धानी और आपके बीच में हम खड़े हैं। जैसे हमारे नाम मानने से रिश्ता मान्य नहीं हो जाता ना पापा, ठीक उसी तरह आपके कह देने से ये तलाक रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। इस देश का कानून हमें पूरा हक देता है अनचाहे रिश्तों को खत्म करने का। और आप शुक्र मनाइए कि हम धानी से सिर्फ तलाक ले रहे हैं, ना कि उसके परिवार वालों से, और उनका साथ देने वालों के ऊपर केस कर रहे हैं। इसलिए हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमें मजबूर मत करिए कुछ ऐसा कदम उठाने के लिए। हम सृष्टि से बहुत प्यार करते हैं पापा, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। हम सृष्टि को ढूंढ कर रहेंगे, और चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये सवाल हर हाल में पूछना है उनसे कि आखिर क्या हुआ था उस राज कि वो मंडप पे नहीं आ सकी। नहीं आ सकी। तुम ये सारी बातें ना तो बाद में भी कर सकता है। भी प्लीज हंगामा मत कर मेरे भाई। भैया प्लीज, पहले बहुत देर हो चुकी है, अब और नहीं। ठीक तो है ना? क्या बेटा, तुम तो बच्चों से भी नाजुक हो। थोड़ी सी हंसी मजाक में इतना सा घबरा गई। अरे सब चलता है बेटा, लगाओ लगाओ रंग लगाओ। कहाँ तो लग जाए धक से। अरे तुम्हारे गांव में तो बहुओं के साथ इससे भी ज्यादा ठिठोली होती है। हमारी सखियों ने थोड़ा कर लिया तो क्या हो गया है? फागुन आने वाला है, होली की शुरुआत हो रही है, अब रंग गई तुम हमारे रंग में। हाँ, माँ, हुआ ये सब क्या हो रहा है?
सृष्टि कैसी है? भाई साहब आज डॉक्टर साहब आए थे सृष्टि को देखने, कह रहे थे कि सृष्टि अब खतरे से बाहर है। वो ये भी कह रहे थे कि सृष्टि को अब किसी भी वक्त होश आ सकता है। भाई साहब आप समझ रहे हैं ना हमारी बात? समझ रहे हैं सुरेंद्र भाई साहब, समझ रहे हैं। भाई साहब अगर सृष्टि को होश आ गया तो उसके सवालों का क्या जवाब देंगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बेटा औरतों के फंक्शन में तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम बाहर जाओ और सबके साथ बैठो। हाँ ऐसा फंक्शन तो हमने पहले कभी नहीं देखा जहाँ एक लड़की के साथ इस तरह का मजाक हो रहा। तो उसे एक आंख नहीं पाती थी और ये सब कुछ हमें भी समझ नहीं आ रहा। रूपा ध्रुव कौन सी खिचड़ी पका रहा है?
दीदी ये तो डिवोर्स पेपर है, ध्रुव नानी को डिवोर्स दे रहा है। कहाँ तो लग जाई धक से। रूपा हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो सब ध्रुव ने संभाल लिया। वही तो, अब तो काशी को भी इस बात के आगे झुकना ही पड़ेगा।